Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हितेंद्र सिंह जाडेजा आप सबका स्वागत करता हूँ योगी मशीन टूल के अपने इस चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑल गियर हेवी ड्यूटी लेथ मशीन के बारे में, तो चलो शुभारंभ करें। बात करें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो ये है 7 फीट ऑल गियर हैवी ड्यूटी लेथ मशीन, जिसमें आपको 1000 mm डिस्टेंस ऑफ बिटवीन सेंटर मिलता है, जिससे आप 3 फीट 2 इंच का लंबा जो सेंटर टू सेंटर कर सकते हैं। इसमें जो बेड की चौड़ाई है वो 15 इंच आएगी और सेंटर का जो हाइट है वो 12 इंच रहेगा, जिससे इसमें आपको 600 mm स्विंग ओवर बेड मिलेगा, यानी आप 23 इंच का चौक का डाया बेड के ऊपर से कर सकते हैं। और इसमें आपको 400 mm स्विंग ओवर क्रॉस लाइट मिलेगी, यानी आप 100 इंच का चौक का डाया क्रॉस लाइट यानी सरफेस के ऊपर से कर सकते हैं। इसमें जो स्पिनर का बोर आएगा वो 80 mm आएगा, जिससे आप 3 इंच का पाइप साफ्टिन या रोड जो भी होगा वो स्पिंडल में आराम से आ जाएगा। और इसमें आपको 40 से 1000 RPM तक नो स्पीड मिलेगी। यहाँ आपको हाई स्पीड में 3, मीडियम स्पीड में 3 और लो स्पीड में 3 टोटल नो स्पीड मिलेगी। यहाँ स्पिंडल की स्पीड यहाँ नोब से चेंज कर सकते हैं, कैरेज को भी रिवर्स और फॉरवर्ड नोब से कर सकते हैं। बात करें टेस्टोक की, तो MT4 की डिग्री आएगी। स्पिंडल का जो डाया है वो 58 mm आएगा और ये जो राम है वो 8 इंच तक बाहर ट्रैवल करेगा। दोस्तों यहाँ पे फुल नोटन गियर बॉक्स लगा हुआ है थ्रेडिंग और कैरेज के स्पीड के लिए, जिससे आप बिना कोई गियर चेंज किए सभी रेगुलर थ्रेड कर सकते हैं। mm और इंच में थ्रेड करने के लिए आपको एक ही गियर चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ सेल्फ में टर्निंग और बोरिंग के लिए कैरेज की स्पीड यहाँ आप नोब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप 12 इंच का सेल्फ सेंटरिंग थ्रू चक या फिर 14 इंच का इंडिपेंडेंट डॉक चक आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। मशीन ने जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो 3 HP की है, यानी 3 horsepower की मोटर में मशीन आराम से चलेगी। तो दोस्तों ये तो हुई कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बातें, अब बात करते हैं हमारे योगी ब्रांड के स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो यहाँ आपको फ्रेम हार्डन की जगह इंडक्शन हार्डन बेड मिलेगी। टेल स्ट्रोक का जो राम है और जो मेन स्पिंडल है हम दोनों ही हार्डन यूज़ करते हैं। हमारी जो मशीन है उसमें सरफेस कंपाउंड और सेंटर स्क्रू में हम कास्ट आयर नट की जगह गन मेटल का नट यूज़ करते हैं। बात करें मशीन के मेन पार्ट की, तो वो होता है उसका बेयरिंग, इसीलिए हम वो हाई क्वालिटी का बेयरिंग यूज़ करते हैं। 2 इंच या उससे कम के बोर में हम एस्केप या टिमकन का मेक टेपर रोलर बेयरिंग यूज़ करते हैं। 3 इंच या उससे ज़्यादा के बोर में हम वी क्यूब या टर्बो टेपर रोलिंग मेक बेयरिंग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने मशीन के कुछ मेन फीचर्स के बारे में आपको बताया। अगर मशीन को आपको पूरी जानकारी चाहिए तो हमें प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।